हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 14 एंड टॉपिक सिंपल टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिंपल टेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि टेंस क्या होता है और टेंस कितने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेंस का मतलब होता है काल, यानी जब हम किसी वाक्य को काल के अनुसार हम उसको व्यक्त करते हैं। जैसे कौन सी चीज आपने भूतकाल में कही, कौन सी चीज आपने वर्तमान में कही और कौन सी चीज आपने जो भविष्य में कही, तो क्या आपका वो काल होता है। और इनके काल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम तैयार करते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लास में। प्रत्येक काल के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस वीडियो में हम क्या किसके बारे में, इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी सिंपल टेंस है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है आपका इस यहां पे सिंपल प्रेजेंट। फर्स्ट हमारे क्या है यहां पे हमारा, ये सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंस होते हैं उनको आप कैसे तैयार करोगे, उनकी पहचान आप कैसे करोगे। सिंपल प्रेजेंट मीन्स वह वाक्य जिसको हम बहुत आसानी से बोल लेते हैं, यानी जिसको हम जो है आसानी से, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, आसानी से उसको व्यक्त कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट के पहचान करने का कुछ नियम है। सबसे पहले इस टाइप्स के टेंसेज में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ये ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल, इसका रूल, इसका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। यहां पे एक एग्जांपल है आपका, आई प्ले हॉकी। तो यहां पे आई क्या आपका सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या खेला जा रहा है आपका हॉकी, इसको हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी हो गया आपका इसमें ये ऑब्जेक्ट आपका। तो ये हो गया इसका सिंपल आपका, देखो आई प्ले हॉकी, ठीक है। दूसरा इसका जो रूल है, इसी में इसको थोड़ा मॉडिफाई हम करेंगे, तो इसमें आपका आएगा आपका ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आपका क्या लगेगा आपका इसमें एस या ई एस, और आपको क्या जुड़ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका एक नियम है तो आपका ये, लेकिन थोड़ा बहुत आपके यहां पे क्या है एस और यस आपका यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आपके लगेगा, लेकिन किसके साथ, जब हम किसका यूज करेंगे, किसी नाउन या प्रोनाउन का या ही सी इट का, यानी हमारे जो थर्ड पर्सन होते हैं उनका जो सिंगुलर नंबर है ही सी इट, और किसी नेमिंग वर्ड के साथ लाइक आपका राम, श्याम, मोहन, गीता एक्सेट्रा, तो जब इनका यूज किया जाएगा एज ए सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पे एस और ई एस को एड कर देंगे, कहीं पर आपका एस आएगा, कहीं पर आपका ई एस आपका आएगा, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करते हैं इसके अनुसार, तो यहां यूज करेंगे आई की जगह ही, और फिर प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या था आपके यहां पे ये प्ले, तो प्ले क्या हो जाएगा आपका प्लेज, और ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया आपका, तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल, ठीक है। यहां पे आपका ही प्लेज हॉकी, यहां पे क्या हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका ऐसा आपका एड हो गया आपका। अब सपोज कर हम इसी को हम करते हैं
अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं, ही गो टू द मार्केट, और हम उसको कन्वर्ट करते हैं इस अकॉर्डिंग आपका, तो हम यहां पे कहते हैं सी गोज, तो वहां पे क्या लगेगा आपका गो के पीछे, यानी जो आपके वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो है, यहां क्या लगेगा आपका ईयर, और तब बन गया फिर आपका ये गोज आपका है, तो क्या हो गया आपका ही गोज टू द मार्केट। तो ये हो गया आपका ये सिंपल प्रेजेंट की पहचान, और उसके सेंटेंस को हम कैसे तैयार करेंगे, ये इसके ये साधारण से इसके रूल्स हैं। इसके बाद सेकंड वन आपका है सिंपल पास्ट, यानी किसी सेंटेंस को सिंपल पास्ट में से कहना, या सिंपल पास्ट का मैं इसके सेंटेंस को तैयार करना। यहां पे आपको वो ये सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर आपका ये ऑब्जेक्ट। इसमें ना तो आपका एस लगेगा और ना ही आपका यस लगेगा। इसमें आपका आई यू वी दे ही सी इट, और किसी नेमिंग वर्ड आपका लाइक आपका जो नेम्स आपके होते हैं राम श्याम मोहन एक्सेट्रा, सबके साथ क्या आएगा आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी आएगी, तो तब वो जो सेंटेंस आपका होगा वो आपका होगा आपका सिंपल पास्ट का। इससे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था आई प्ले हॉकी, तो हम इसको यू कर सकते हैं आई प्ले हॉकी, ठीक क्या हो गया इसका आपका ये आई प्लेड हॉकी, तो यहां पे प्ले की जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की वो क्या आपकी है प्लेड आपकी लिए, तो पहला आपका था प्ले और फिर आपको बन गया आपका ये प्लेड आपका। इसको हम यूज कर लिख सकते हैं ही प्लेड हॉकी आपका, तो ये सिंपल आपका हो गया आपका ये सिंपल पास्ट। इसमें सिंपल ने क्या किया सिंपल प्रेजेंट की जगह पे इसकी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, इसको लिखने का कोई रूल नहीं है, ये आपको लर्न आपको होनी चाहिए कि किस वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी कौन सी होती है आपकी। जैसे अगर कहेंगे गो वेंट, तो अगर गो है तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट उसका ही सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे आपका प्ले का आपका प्लेड आपका होता है, ऐसे बहुत सारे आपके जो वर्ब है, जैसे आपका हो गया रीड रेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गई। तो आपको जितनी भी वर्ब्स होती है ये सब आपको लर्न होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये सिंपल पास्ट। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसको हम देखेंगे इसमें सिंपल फ्यूचर के लिए, सिंपल फ्यूचर के लिए। तो सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में आपका ये ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या चेंज हो गया आपका ये यहां पे एक आपका ये एड आपका यहां पे हो गया है, बाकी इसमें एज इट इज आपका क्या है सिंपल प्रेजेंट के जो रूल्स हैं आपका वही आपका ये, लेकिन यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस आपका एड नहीं होगा, किसमें सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो ये आपका सब्जेक्ट शैल विल दो में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आपका ये ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने बनाया था एग्जांपल आई प्ले हॉकी, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्यूचर में, तो क्या लिखेंगे आई शैल प्ले हॉकी, यहां पे आएगा आपका ये शैल आएगा, आई और वी के साथ क्या आएगा आपका ये शैल आपका यूज हो गया। इसके बाद जितने भी आपके हैं यू ही सी इट और कोई आपका नेमिंग वर्ड लाइक आपका राम मोहन श्याम, ठीक है, उनके साथ क्या आएगा आपका विल आएगा आपका, इसको हम यू लिख सकते हैं वी शैल
प्ले हॉकी ही विल प्ले हॉकी एंड देन यू कैन राइट राम. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर ही विल प्ले हॉकी. अब इसमें अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं जैसे आपको हो गया राम श्याम गीता शरद तो हम इसको क्या लिख सकते हैं लाइक राम विल प्ले हॉकी. ऐसे आपका गीता विल प्ले हॉकी जो भी आपके हैं. तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं सिंपल टेंसेस जो हमारे होते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर यानी आप यूं कह सकते हैं ये जो सिंपल टेंसेस आपके हैं ये किसी भी टेंस की फर्स्ट फॉर्म है इसकी आपकी ठीक है. तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं. इसमें आपको सिर्फ ध्यान तो रखना आपको कि सब्जेक्ट क्या है उसके साथ कौन सी वर्ब आपकी यूज होगी और उसका ऑब्जेक्ट क्या आपका जो है. और यहाँ पर ध्यान रखना है आपने सिंपल प्रेजेंट में अगर आपका जो है सब्जेक्ट में आपका आई वी और यू अगर आ रखा आपका तो क्या होगा आपका ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और अगर ही सीट आ रखा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आपका ऐड होगा. अगर हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की तो सब्जेक्ट के साथ क्या होगा आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा फिर आपका ऑब्जेक्ट आपका. और फ्यूचर टेंस में क्या होगा शैल और विल का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो यू हैव टू लर्न अबाउट सिंपल टेंसेस लाइक प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.